छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर है, जहां पल्पा इलाके में तीन कार शोरूम से चोरी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। बस्तर एसपी सौरभ सिन्हा ने बताया कि चोरी में सात लोग शामिल थे और सभी मध्य प्रदेश के हैं। गूगल मैप में देखकर यहां चोरी करने आए थे और चोरों की लोकेशन मध्य प्रदेश के खरगोन में मिली। इसके बाद एक टीम ने रोहित राठौर और गोलू उर्फ अजय चौहान को गिरफ्तार किया। उनके पास से 40,000 रुपए बरामद किए हैं। बैंक अकाउंट में 2,00,000 रुपए भी फ्रीज करवा दिए गए। इदम रोड पे तीन जो गाड़ियों के शोरूम है, टोयोटा महिंद्रा, इसके संबंध में सुबह जब थाने में शुरुआती तौर पे ये पता चला था कि तीनों ही जो शोरूम थे, तीनों में ही सुरक्षा गार्ड उपलब्ध, जो चोरी की घटना हुई थी बड़ी आसानी से कारित की गई थी। इस संबंध में सीसीटीवी कैमरे का भी फुटेज निकाली, थाने की टीम के अलावा जो साइबर की क्राइम की टीम है वो भी फील्ड पे जानकारी जुटाने में लगी थी। इसी दौरान जानकारी मिली कि इसी तरह की घटनाएं रायगढ़ में भी कुछ दिनों पहले हुई थी, जहां कार के शोरूम्स को निशाना बनाया गया था, और कुछ समय पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में भी ऐसी घटना हुई थी, वहां पर भी इसी तरीके से कार के शोरूम को निशाना बनाया गया था। तो साइबर सेल प्रभारी ने इन जगह पे संपर्क किया और वहां पे जो उनके इन लोगों ने अपने यहाँ के जो टेक्निकल एनालिसिस थी उसके बेसिस जिसका डाउट हुआ कि ये लोग शायद इस ज़्यादा जानकारी जुटाने पर जब पता चला कि, और ये एक बड़ा सा गैंग है जो स्पेसिफिकली यही काम करता है, ये लोग अपने शोरूम्स को सिटी गार्ड्स होने के बावजूद भी वहाँ थोड़ी सी शुरुआती दिन में ही दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली, एक रोहित राठौर और दूसरा अजय चौहान।